नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, ईपीएफ पोर्टल पर चार न्यू अपडेट आ चुका है। उस अपडेट के बारे में यहाँ पर मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानकारी पाने चाहते हो न्यू अपडेट के बारे में, यहाँ पर मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी नोटिफिकेशन पाने चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है ईपीएफओ, यही टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितना भी सोशल मीडिया लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आपको चार न्यू अपडेट दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो यहाँ पर डिजी लॉकर तक अपडेट था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो उमंग ऐप जुड़ चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम, यहाँ पर कू ऐप, उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया, यहाँ पर सारे कुछ जुड़ चुका है। अगर आप यहाँ पर लॉगिन करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन, लॉगिन के ऊपर क्लिक करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पर मांगता है वो सारे कुछ आपको डाल के यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। अब इसका क्या फायदा मिलेगा वो भी मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप कू ऐप के ऊपर जुड़ने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है साइन इन, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपके यहाँ पर मांगता है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स डाल के लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है यहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है। अब फॉलो करने का क्या फायदा मिलेगा वो भी मैंने अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, लॉग इन कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उमंग ऐप। जैसे कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कुछ भी काम करने चाहते हो उमंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा एम पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहले से यहाँ पर लॉगिन नहीं किया तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या डालने का ऑप्शन आएगा वो पहले मैंने बता देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर यूएन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर ईपीएफओ का काम सारे कुछ आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ से पहले से लॉग इन करके रखा हूँ, इसी वजह से मेरा पास यहाँ पर इसी तरीके से पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आप लॉग इन करके अपने पासबुक चेक कर सकते हो। अगर आप क्लेम करने चाहते हो क्लेम कर सकते हो। अगर आप इवेंट को एक्टिवेट करने चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उमंग ऐप पर जो भी चीज ओपन होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसका फायदा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ईपीएफओ की तरफ से जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप नोटिफिकेशन पाने चाहते हो, अगर आप एक पीएफ मेंबर हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सोशल मीडिया के जो लिंक है आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करके आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, तो आपके पास जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, जो भी न्यू अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलते रहेगा। यही आपको एक बड़ा फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप भी जुड़ने चाहते हो यहाँ पर सोशल मीडिया पे, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे मैंने बोला आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से जुड़ जाना है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।